यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज कार्तिक मास के 11वें दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय को। बंधुओं जो मनुष्य भी कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता को सुनते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है और उनके पुण्य संचित हो जाते हैं, और यदि पुण्य संचित हो जाएं तो फिर मनुष्य को जीवन में पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं, आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभो मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख, हे भरतवंशी अर्जुन मेरे में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को 8 वसुओं को 11 रुद्रों को 2 अश्विनी कुमारों को 49 मरुदगणों को देख और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुड़ाकेश अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, जो भी कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देखता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अंगलेपन किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडु पुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव आपके शरीर में संपूर्ण देवों को अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप आपके ना अंत को देखता हूँ ना मध्य को ना आदि को देखता हूँ। हे विष्णु आपके मैं मुकुट युक्त गदा युक्त चक्र युक्त
सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आशय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला, अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, आठ वसु और सात देवगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उद्रों वाले, बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए दधिप्यमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वह करण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक चूरन हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप, आपको मैं तत्व से जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न हुए राज्य को भोग। यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हैं। हे सबे साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, जयद्रथ और करण और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह
तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके बाद संजय बोले, हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, हे अंतर्यामीन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है, अनुराग को प्राप्त होता है, भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं, सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता सबसे बड़े आपके लिए भी कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। हे प्रभो, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आशय और जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्यापक और परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा, ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार होवे, आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार होवे, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्व स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पितृदेव की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको श्रीमद् भागवत गीता का ये अध्याय पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।